स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज की सच्ची खबरों में। और यहां पर जितनी भी खबरें हैं उनको एक एक करके आप सब भाई बहन पूरा वीडियो देख लेना। यहां पर बता दूं, सबसे पहले मैं उस लेटर की तरफ बढ़ रहा हूं जो कि लेटर उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी का। तो लखनऊ से जारी किया हुआ यह लेटर 31 जनवरी का है, जिसमें क्या लिखा हुआ है वो हम भी आपके सामने बताने वाले हैं, आप उन बातों पर गौर करिए। यहां पर बताया जा रहा है कि निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या पड़ी हुई है, साथ ही में कह रहे हैं कि 21-1-2020 के द्वारा अवगत कराया है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जनपद में किए गए निरीक्षणों में पाया गया है कि जनपदों में जो आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, विभागीय भवन और किराए के जो भवन हैं एवं पंचायत सामुदायिक भवनों में जो भी संचालित हो रहे हैं, उन आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभाग के मानक जो है 650 लिखा हुआ स्क्वायर फीट में किचन, बरामदा, कक्ष एवं शौचालय, ये सब कुछ होना चाहिए, ये आपका मानक है, इसी के अनुसार संचालित नहीं हो रहे हैं व जहां पेयजल व विद्युतीकरण की सुविधा नहीं है उनके संबंध में नीचे क्या लिखा है उस पर हम आते हैं। बताया जा रहा है कि उपरोक्त के क्रम में निदेशालय द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुआ है कि परियोजना में प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र का सर्वे कराया जाए एवं विभागीय अधिकारी को दिखवावे कि विभाग का जो मानक है केंद्र उसके अनुसार संचालित हो रहे हैं अथवा नहीं। तो प्राथमिक विद्यालयों और पंचायत और साथ ही साथ सामुदायिक जो भवन हैं उनमें जो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं वे बरामदा, रसोई घर या छोटे से कक्ष में तो नहीं संचालित हो रहे हैं। तो भविष्य में ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विभागीय भवन के निर्माण की जो आवश्यकता है तो उसको यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण हेतु विवाद रहित ग्राम सभा की निःशुल्क भूमि जो पठन पाठन की सुगमता के लिए उपयुक्त है उसका प्रस्ताव सर्वे कराकर निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 5/2/2020 यानी कि 5 फरवरी जो अभी आपकी कल है, तो ऐसे में आप देख सकते हैं प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो जिला कार्यक्रम अधिकारी लखनऊ के हैं, उनका जारी किया हुआ ये लेटर आप लोगों के सामने है समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को। उनका कहना है कि आपके वहां यानी कि लखनऊ में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनके अनुसार भी मैंने बता दिया, प्राथमिक विद्यालय हों या विभागीय भवन हों, किराए वाले हों और पंचायत सामुदायिक भवन वाले हों, जहां जहां जो भी यहां पर बातें उठी आप लोगों को लेटर में पता चल गया होगा, तो उन केंद्रों के बारे में बताया जा रहा है कि ऐसे में वो मानक के अनुसार हैं या नहीं, क्योंकि मानक जो उनका है उसी के अनुसार भवन का किराया दिया जाता है। यदि उतनी जगह पर्याप्त नहीं है तो वहां पर वो सुविधाएं नहीं है तो वो मानक को पूरा नहीं कर रही है। तो ऐसे में यदि जगह वगैरह पंचायत भवनों में सरकार वगैरह की जमीन है वो यदि खाली पड़ी हुई है तो उसका सर्वे वगैरह करके इसको भेजा जाए, शायद वहां पर सरकार आने वाले समय में जो है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए अपना प्रस्ताव आगे भेजेगी। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र, और ऊपर से एक सच्चाई ये कहती है कि आंगनबाड़ी केंद्र, कई जिलों की आप जो है खबरें देखते रहते हो जिसमें आता है कि एक साल में इतने आंगनबाड़ी केंद्र वहां पर बनने थे, इसके लिए पैसा भी जो है विभाग से जारी हो गया लेकिन वहां पर केंद्र नहीं बन पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो केंद्र बनाने का पूरा मामला है, जमीन भी होती है, सब कुछ होता है, पैसा भी विभाग वाले देते हैं लेकिन यहां पर आंगनबाड़ी भवन बन करके तैयार नहीं होता। इसमें जिसके अंडर से पैसा आता है वो पैसा यहां पर बंदरवाट की जो है भेंट चढ़ जाता है। आगे चलते हैं, फिलहाल के लिए बता दूं अगली जो खबर है उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। और आप सब भाई बहनों को यदि हमारी सच्ची खबरें पसंद आती हैं सुधांशु पटेल के द्वारा, तो उस ऑल इंडिया की सभी खबरों को आप सब भाई बहन अधिक से अधिक व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर किया करें। और जैसा कि देख सकते हो सुनंदा तिवारी बहन ने ही यह जानकारी भेजी थी और आगे उन्होंने और भेजा, लिखा हुआ है कि प्राइमरी स्कूल में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर प्राप्त स्थान व मूलभूत सुविधा तथा लिखा हुआ है पेयजल, विद्युत एवं शौचालय की उपलब्धता का विवरण, तो कनेक्शन वगैरह बिजली का है या नहीं, ये सब कुछ जो है जरूरी है। ऐसे में ये पूरा खाका यानी कि एक प्रारूप आप देख सकते हो जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेटर आप लोगों के जानकारी के हिसाब से काफी है। और इस लेटर को यदि यही लेटर आप सब चाहते हैं तो आप अपने सुधांशु पटेल का फेसबुक पेज है वहां पर जरूर जुड़ जाए, वहां पर हमारे छोटे वीडियो भी आप लोगों को 2-3 मिनट के मिलते रहेंगे और साथ ही साथ वहां पर इस तरह के सभी लेटर मैं डालना स्टार्ट कर दूंगा। जो भी लेटर यहां पर वीडियो में दिखाए जाएंगे वो आपको सुधांशु पटेल के फेसबुक पेज पर भी मिल जाएंगे। और आगे आप देख सकते हो
प्रधानों की जो है अड़ंगेबाजी से आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्म भोजन योजना अटकी हुई है। तो ये जो आप मामला देख रहे हो अमर उजाला वालों ने निकाला था, दरअसल आप जो आप सब जानते हैं अभी तक जब आंगनबाड़ी पैसे उन्हीं के खाते में आते थे, उनको जो है सब कुछ देख रेख करनी होती थी खाने वगैरह को लेकर के, अब इन पैसों को प्रधानों के अंडर भेजा जा रहा है। अब प्रधान उन पैसों को निकाल करके लाए, फिर आंगनबाड़ी भी उनके साथ दौड़ करके जाए और फिर उस पैसे को लेकर के प्राइमरी के अध्यापक को दिया जाए, फिर वो खाना बनाए। तो कहीं ना कहीं ये सारा सिस्टम गलत है और सरकार को लगता है यदि आंगनबाड़ी जिम्मेदार जो है पूरी अपनी तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, गलत कर रही है, तो ऐसे में सरकार को जब भरोसा ही नहीं है जब, तो यहां पर उनको चाहिए कि ये पैसा फिर प्रधान के खाते में न डाल करके, या फिर डालें तो आंगनबाड़ी को इससे कोई लेना देना नहीं होगा, या सीधा प्राथमिक विद्यालय वालों के अंडर में डालें, सारे बच्चे एक साथ खाना खाएं, तो जहां सबके लिए वहां आंगनबाड़ी के बच्चे भी खाएंगे और आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर से जिम्मेदारी भी हटेगी। अब यहां पर बहुत से लोग अपने अपने तर्क देंगे, कोई कहेगा कि खाना का पैसा आता है आंगनबाड़ी के ऊपर, उनका अधिकार है, अधिकार जैसा कुछ भी नहीं है, यह आप लोगों की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी क्या कहती है, और ऊपर से आपके ऊपर काम ही बढ़ता है खाने वगैरह को लेकर के, पैसे आने हैं उस खाते में, तो पहली बात तो बच्चों का पैसा है, ऐसे में उन्हीं को मिलना चाहिए। तो यहां पर कहीं ना कहीं आप सब देख रहे हैं इससे भ्रष्टाचारी भी बढ़ रही है धीरे धीरे, और ये हमारी बहनों के लिए अब समस्या इसलिए बन रही है क्योंकि जहां जहां के ग्राम प्रधान जो है एक तरह से इसी तरह के हैं अड़ंगेबाजी वाले या दबंग टाइप के, वो खाने का पैसा डकारना चाहते हैं और आंगनबाड़ी बहनें चाहती हैं कि वो पैसा आए और केंद्रों पर खाना बने, तो ऐसे में वो ग्राम प्रधानों से क्या लड़ाई मोल लें, क्या लड़े उनसे, तो ऐसे में उनको उसी गांव में रहना है। तो बहनें आपस में जो है भेदभाव अपने गांव में क्यों पालें, इस चीज को लेकर के हमारी यही सलाह है कि या तो सरकार आंगनबाड़ी के अंडर पूरी जिम्मेदारी सौंपे या फिर इसको उठा करके सीधा अपने चाहे प्रधान को दे दे, आंगनबाड़ी को इससे कोई लेना देना नहीं, तो और या फिर जो है प्राथमिक विद्यालय वालों के अंडर में पैसा भेजा करे, तो एक साथ सभी का खाना बने, तो किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, साफ सुथरी बात। आगे आप देख सकते हैं 54 जिलों में नहीं निकाली जा रही है राशि, निदेशक जो है ICDS ने प्रधानों की मांगी है रिपोर्ट, तो ये हर जगह का मामला है प्रधान वगैरह। अब इस चीज को लेकर के भी एक सवाल उठता है, लगभग 1600 कहीं 1800 ऐसे ऐसे यदि रुपए आते हैं हर आंगनबाड़ी के अलग अलग हिसाब से, तो ये 1500 1600 1800 में क्या एक महीने बच्चे खाना खा पाएंगे, क्योंकि एक महीने का खाना यदि दो टाइम का आप मंगवाते हैं मेस वगैरह से, तो आपने देखा होगा 2400 2500 या 3000 के करीब एक बच्चे का दो टाइम का खाना होता है, तो ऐसे में पूरे महीने भर का जो खाना है एक बच्चे का, वो तो एक ही बच्चे पर इतना आ जाएगा 1600 1800। यहां पर बच्चे कहीं 30 हैं, कहीं 40 हैं, तो कहीं 50 हैं, तो इन सब चीजों को ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से सच्ची खबरों में मैं आप लोगों को हकीकत बयां कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी है। हमारा दिल और दिमाग यही कहता है कि आंगनबाड़ी बहनों को इस कीचड़ से सरकार निकाले, विभाग निकाले, इस हार्ट कुक्ड का जो पैसा है ये या तो आंगनबाड़ी को पर्सनल सौंपे, ये बहने बनाएं और जिस तरह से आज तक आंगनबाड़ी के बच्चे खाना खा रहे थे और यही चल रहा था, तो वो चलने दें, या फिर जो है पूरी तरह से जिम्मेदारी हटाएं ना, आंगनबाड़ी को बार बार बैंकों के चक्कर काटने पड़े, ग्राम प्रधान से जो है बार बार हाथ जोड़ने पड़े कि भैया चलिए पैसा निकालिए, विभाग वाले हमारे मांग रहे, तो ये सारी चीजें जो है बहुत दिक्कतें भरी आंगनबाड़ी के सामने आ रही है। आगे आप देख सकते हो आशा संगनी दिवस की मांग वगैरह को लेकर के, तो CMO जो है आप देख सकते हो कार्यालय में धरना प्रदर्शन करती आशा बहुएं, तो आशा बहनें भी अपनी मांगों को लेकर आए दिन जगह जगह धरने करती हैं, लेकिन जैसे स्थिति आंगनबाड़ी बहनों की बनी हुई है सेम कंडीशन आशा बहनों की भी है। यहां पर जो बाराबंकी है जिला उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी आशा बहु स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षता सुनीता देवी थी, उन्होंने सोमवार को भारी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं के साथ CMO कार्यालय पहुंच करके उन्होंने की है, जैसा कि आप देख सकते हो, और आए दिन आप ये भी देखते हो आशाओं के साथ में अभद्र व्यवहार किया जाता है, डॉक्टर वगैरह इन लोगों को परेशान करते, तो समस्या हर किसी की समाज में है। और तो और यहां पर दिल्ली का चुनाव मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आने वाला जो इतिहास है वो एक रचेगा, क्योंकि यदि दिल्ली के चुनाव में काम को देखकर जनता वोट देती है और देखते हैं कौन सत्ता में आता है, या फिर एक बार जुमले देकर के सरकार जो यहाँ पर सत्ता में आती है। और रही बात ये इन मुद्दों को लेकर के आप देख रहे हैं शाहीन बाग वगैरह को लेकर के लोग क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर केजरीवाल कंट्रोल नहीं कर रहा, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, केंद्र सरकार के अंदर दिल्ली आती है और यहाँ पर चाहे तो जो है केंद्र सरकार दो मिनट में बाग खाली करवा ले या शांतिपूर्ण चीज़ों को बनाए रखे, लेकिन इन्हीं चीज़ों पर जितना ज़्यादा कीचड़ होगा मैं आप लोगों को बता दूँ कमल भाजपा वाले उतना अच्छा खिलाएंगे। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द खुद अमित शाह जी के हैं, उन्होंने रैली में कहा था जितना ज्यादा कीचड़ होगा उतना अच्छा कमल खिलेगा, तो इससे आप अंदाजा लगाइए वो किस कीचड़ की बात करें, यही हिंदू मुस्लिम में फूट डालने की और भेदभाव करने की, इन सब चीजों को लेकर के। आगे बढ़ते फिलहाल आप देखते रहिए सच्ची खबरों को और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए CM से जो है मिले हैं हरीश, तो हरीश जी जो है CM वगैरह से मिले, हमारे देहरादून उत्तराखंड की जो बहनें लंबे अरसे से धरना कर रही हैं, दो महीने हो गए, ऐसे में आप देख सकते हैं उनके
मांगों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री जी जो है मिल रहे हैं बार बार, तो जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर वर्तमान मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर उनको लग रहा है कि हमारी सरकार हर राज्यों में है और इस बार भी हम चुनाव जीत लेंगे, ये मुट्ठी भर 20,000 आंगनबाड़ी उत्तराखंड की क्या कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये उनकी शायद भूल साबित हो सकती है, क्योंकि हर एक बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी चीज़ से ही होती है और वो छोटी चिंगारी आंगनबाड़ी बहनें ही है। जिस तरह झारखंड साफ हुआ है, शायद उत्तराखंड में भी सत्ता पलटे और आने वाले समय में दिल्ली में, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, काम यदि केजरीवाल ने किया है, मैं वहां नहीं गया, मैं वहां इस काम का जो है लाभ नहीं लिया मैंने, लेकिन जब लोग कह रहे हैं तो शायद सच हो, और उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सच है क्या झूठ, इसका फैसला दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता जरूर करेगी। यदि उनको केजरीवाल ने सुविधाएं दी होंगी तो वो उन्हीं को वोट देंगे, तो यदि काम को वोट देख करके वोट देते हैं तो अच्छा है, यदि उनसे भी बड़ा जो लालच भाजपा इन दिनों दे रही है दिल्ली में, कह रहे हैं कि हम उनसे भी दो कदम आगे सब कुछ करेंगे और उनसे दोगुना देंगे, तो ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं, जहां जहां भाजपा सरकार है वहां पर जब जब नेता ऐसे बात करते हैं तो जनता को कहना चाहिए कि आपकी सरकार जहां है वहां के लोग क्या कर रहे हैं, आपने वहां पर लोगों को क्या दे दिया जो आज आप यहां पर दिल्ली में इतनी जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगले 5 सालों में जो है 4 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, अब नौकरियां देंगे। ऐसे में मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने पूरे देश में कितनी नौकरियां दे दी है, तो ये सब चीजों को आप लोग सोचिए और आगे बढ़ा। वहीं पर अपनी उत्तराखंड की बहनों को एक संदेश देना चाहूँगा कि आप सबने बहुत अच्छा काम किया और आपकी मेहनत बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर इन चीज़ों को राजनीति से सरकार जो सत्ता में है वो तोल रही है। उनका कहना है कि आप राजनीति कर रही हैं, वो मैं जानता हूँ, हर राज्य की आंगनबाड़ी समझती है कि आंगनबाड़ी परेशान है, इसी वजह से जो है वो अपना धरना वगैरह करती है। सरकार का काम है आवाज़ सुनना, लेकिन वो इसको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये इग्नोर करने का जो तरीका सरकार का रवैया जो अपना रहे हैं, ये शायद आने वाले समय में उत्तराखंड की सरकार को भोगना जरूर पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं आप सब भाई बहनों से आप सब इन सच्ची खबरों को अधिक से अधिक फैलाएंगे, वहीं पर टीकाकरण कराए और वरना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ। अब बताइए, बधाई वगैरह से ये खबर है मिशन इंद्रधनुष को लेकर के बताया जा रहा है, जो 2 वगैरह चरण चल रहा है उस चीज़ को लेकर के बधाई वगैरह से बता रहे हैं कि गुणवत्ता तो ठीक, खाना मेनू के अनुसार बनाएं, जिलाधिकारी का ये आदेश है। तो आप देख रहे हैं खाने को लेकर के भी आए दिन बातें चलती हैं। एक मैं क्वेश्चन जरूर करना चाहूँगा आप लोगों से, किसको किसको लगता है कि आंगनबाड़ी के बच्चों का खाना आंगनबाड़ी के ऊपर जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, और किन्हें किन्हें ये लगता है कि आंगनबाड़ी के ऊपर जो जिम्मेदारी थी वो गलत तरीके से थी, और इस समय जिस जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, जैसे कि ग्राम प्रधान के अंडर पैसा आए, उस पैसे को निकाला जाए, फिर वो पैसा आंगनबाड़ी भी उनको बैंक जाना पड़े दौड़ करके, फिर उस पैसे को लेकर के प्राथमिक अध्यापक वालों को दिया जाए, अब वो अध्यापक वाले खाना बनाएंगे, तो ऐसे में फिर राशन खरीदो, ये करो वो करो, ये ज़्यादा अच्छा है, या सीधा आंगनबाड़ी को पैसे दिए जा रहे थे, वो अपने कहीं घर से खाना बनाती थी या अपने वहां पर रसोइयों में बनता था, तो जहां जैसी सुविधाएं थी वहां वैसा काम भी चल रहा था, ये हम अच्छे से जानते हैं। वहीं पर आप लोगों को बता दूं, आप सब इस चीज पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर।